नमस्ते सर। नमस्ते जी, कैसे बढ़िया सर। सर मेरी गाड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम है। क्या चीज़ है? ये मेरा डीसी कंट्रोलर बार बार उड़ जाता है। अच्छा, जैसे कि मैं इसमें अपना जैक वगैरह सिस्टम है उसको चलाता हूँ तो लाइटें बंद हो जाती है, कई बार वायरिंग में ही दिक्कत आ जाती है, थोड़ी नहीं खाती। कई बार मैंने कई मिस्त्रियों को भी दिखा दी, कोई कहता है कि इसका ये कंट्रोल खराब है, ये खराब है, वो खराब है। सर मैंने काफ़ी इसमें पैसा लगा दिया। समस्या आ रही है, कब से आ रही है? सर इसको मेरे हो गए 3 महीने करीब हो गए। मतलब कि जब कन्वर्टर होता है बार बार वो खराब हो जाता है। और मैंने कई दुकानों पर दिखाया, कोई कहता है आपका ये कंट्रोल खराब है, कोई कहता है आपकी इसमें दिक्कत है। अच्छा, आपके पास तो उसका समाधान है? समाधान क्यों नहीं करेंगे, आप ही का समाधान करेंगे। तो देखिए, ये एक भाई आए हैं हमारे पास, बड़े दूर से आए हैं, इन्होंने किसी ने हमारा एड्रेस दिया कि मेरा जो कन्वर्टर है वो बार बार खराब हो रहा है, लेकिन आज उसी के समाधान को लेकर हम आए हैं। और ये वीडियो आप पूरी देखना, क्योंकि ऐसा होता है ना कि ये समस्या इनकी नहीं है, ये समस्या बहुत से लोगों की होगी, जो कि आप ये वीडियो देखकर आप अपना सोल्यूशन खुद कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को लेकर आएंगे। जैसे इनका कहना है कि कन्वर्टर मेरा बार बार खराब होता है, तो आज हम ऐसी चीज लेकर आए हैं कि एक तार, केवल एक तार हम लगाएंगे, और एक तार लगाने से इनकी गाड़ी का पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम, मतलब जो भी है इनका लाइट हो रहा है, इंडिकेटर वगैरह है, वो सब कुछ ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। और आप ये चीज का ध्यान रखना कि बहुत से मिस्त्री ये बोलते हैं कि दो तार बैटरी से ले लो तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक तार लगाएंगे हम, और एक तार लगाने के बाद आपकी पूरी गाड़ी को ऑटोमेटिक बनाएंगे। चलिए आइए पूरी वीडियो को देखिए। डैनी सर, यही आपकी गाड़ी? अच्छा, तो इसी के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक, तो इसका कन्वर्टर कहाँ लगाया? ये लगा हुआ है, ये खराब हो चुका है। तो आइए इसकी गाड़ी को फिर हम लाइट और इंडिकेटर चालू करेंगे। सुनील जी कहाँ है? सुनील जी, हाँ, एक वायर लेके आओ लंबी वाली रेड कलर की, और वो थिम्बल भी लेते आना, एक मेल वाला, एक 12-13 चाबी लाओ। तो आइए, खोला नहीं सब इसको। जैसे कि हमने ये अब एक वायर ली है और बिल्कुल सिंगल है, देख रहे हैं आप। और ये पीछे जो बैटरी की कनेक्शन है, ये दिखाइए, ये जो पीछे कनेक्शन है इसमें ये बैटरी का माइनस है, ये बैटरी का जो प्लस है, ठीक है। तो हमने जो तार जोड़नी है आपको, इसकी सीरीज वायर में जोड़नी है, ठीक है। ये सीरीज वायर में हमने ये कनेक्शन जोड़ना है। देख सकते हैं ये तार मैंने जोड़ दी है, और इसके अगर हम चेक कर सकते हैं, ये देखो पटाखा इसमें आ गया है। तो इससे चेक होने के बाद अभी ये वायर हम आगे लेकर जाएंगे,
और फिर आपको इसका लाइट और इंडिकेटर चालू करके दिखाएंगे। लो नीचे से लो, नीचे वायर लो। चलो ये तार हमने यहाँ से निकाली, हाँ तो लग गई है देखने में। ठीक है, ये तार हमारी आ गई है। अब ये जो कपलर है हमारा डीसी कन्वर्टर का, ये देख लो इसमें, तो ये कपलर जो है इसके अंदर अब ये चीज लगाएंगे। और अब अपना लाइट हॉर्न बजा कर देखो, ऐसे ही बजाओ। ठीक है, ये आपका लाइट हॉर्न इंडिकेटर से चालू हो गया। ये देखिए इसके अंदर दिखाओ पहले, ये इसके अंदर इस कपड़े में लगाया है डीसी कन्वर्टर हमारा बिल्कुल अलग पड़ा हुआ है, देख रहे हैं। ये देखो ये डीसी कन्वर्टर बिल्कुल अलग से पड़ा हुआ है, दिखाओ वीडियो। और ये हमारे कपलर के अंदर हमने सिंगल वायर लगाई है, केवल सिंगल वायर लगाने से आपके ये पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम चालू हो गया है। तो आइए दोस्तों, ये जो हमारी प्रॉब्लम थी ये सॉल्व हो गई है। तो वो भाई भी बड़े खुश थे, इनका ये काम हुआ है भी बड़े खुश हैं। और मैं ये कह रहा था कि जो भी अगर हमारे पास कोर्स वगैरह करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास कंट्रोलर रिपेयर का कोर्स भी होता है, ई बाइक का मोटर रिवाइंडिंग कोर्स भी होता है, और ई रिक्शा मोटर रिवाइंडिंग भी कोर्स होता है, डीसी कन्वर्टर रिपेयर भी किए जाते हैं, और थ्रोटल रिपेयर भी होता है। तो आपको इस प्रकार का किसी प्रकार का कोर्स करना है तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। और हमारे 9 फरवरी से ये नया बैच स्टार्ट होगा जिसमें आप लोग एडमिशन करा सकते हैं, और सभी स्पेयर पार्ट यहाँ पर अवेलेबल है। किसी भी चार्जर का, कंट्रोलर का स्पेयर पार्ट लेने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं आप, हर तरह का यहाँ पर स्पेयर पार्ट अवेलेबल है ई रिक्शा से रिलेटेड। धन्यवाद।